तो जी अब हम आ गए वापस और क्या कहते हैं, खा पी तो कुछ सकते नहीं थे, सिर्फ पापा ने खाया थोड़ा बहुत जो भी था। और अब वापस आके अब बस सिया को थोड़े फिट करा के मैं इसे सुलाऊंगी, उसके बाद हम लोग पूजा के लिए रेडी होंगे। और इसने बहुत परेशान कर दिया, बेचारी परेशान भी हो गई है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब हम पूजा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ढलते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। तो मम्मी कथा पढ़ के सुनाएंगी, अभी सब उसी की तैयारी चल रही है। कुकी भी तो आ रही है अपने उसकी कथा सुनने। आज हम सब लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा है और इसकी कथा यहाँ से पढ़ते हैं। कार्तिक मास 14 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत स्वामी स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन कथा पूरी सुनने के बाद अब हम करेंगे आरती। कथा हमने सुन ली, अब हम जा रहे हैं छत में। अब हम सूरज को क्या देंगे, हम अर्घ। तो जी हम आ गए अब छत पे और सूरज बस ढलने ही वाला है। थोड़ा सा अगर हम लेट हो जाते तो शायद सूरज ढल ही जाता। अब पहले सूरज को मम्मी वो अक्षत चंदन कुमकुम वगैरह वो सब अर्पित करेंगी और उसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे।
अब सूर्य देव की आरती करेंगे। तो ये देखिए सूर्य देवता, ये तो सुंदर से लग रहे हैं ना। अब फाइनली उन्हें अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद दो बार परिक्रमा करनी होती है, तो ये हमारी परिक्रमा हुई पूरी। और इसी के साथ अब ये शाम की जो पूजा थी ये समाप्त हो गई। बस अब हम थोड़ा फ़ोटोशूट करेंगे, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद होगी बाकी जो फिर घर के काम वो सब निपटाएंगे और फिर शाम की तैयारी, मतलब अब रात की तैयारी, शाम की तो हो ही गई। तो फाइनली चांद आ गया, अब हम लोग फटाफट पूजा करके अपना व्रत पूरा करेंगे। चलो शुरू करें। बारी बारी करोगे आप लोग की अलग से बातें करते फटाफट। बाबा मंदिर एक ही है, घर एक ही है, अलग अलग क्यों लाएंगे हम? यस ये बन जाएगा तब तक तेल ऐसा खत्म हो जाएगा। दो और आप तो हटो। सूर्य देव की ही तरह पहले चंद्र देव को भी टीका वीका सब अर्पित करेंगे और अब चाइनीज चांद बनेगा। लाओ प्लेट दे दो। दोनों आ रहे हो लेकिन जिसको जिसका कर रहे हो वो नहीं आ रहा। हल्का सा। इस टाइम पे चांद को देखते हुए अर्घ देना होता है। वैसे सबका अपना अपना तरीका है पर हमारे यहाँ इसी तरीके से किया जाता है। दिखा रही है वो, दिखा रही है दिया बाहर से दिया। तो वो जारी फाड़ी दो ना। अब क्या फाड़ू, अभी रहने दो यार, पानी पानी और हो गया। ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। अच्छा मैं भी तो कहूँ ये आप चमक रहे हैं अर्जुन, इसमें चांद की तरह। ये दिया रखते ही वहां भी दिया जल गया चांद में। चलो हाँ चलो, वही तो कह रही हूँ आप दोनों का भी लूंगी, आप दोनों में तो बड़े खुश रहो खुश रहो खुश रहो, अगले साल गुड न्यूज़ सुनाओ। खुश रहो खुश रहो। पूजा वूजा हमारी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। जगह तो डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाएंगे बट जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट होता है पूरे दिन भर तो फिर खाना वाना बनाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और फिर अभी सिया इतनी छोटी है तो फिर आज हमने डिसाइड करा कि हम बाहर ही जाएंगे, घर पे नहीं बनाएंगे।
तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। सीट नहीं है शायद, नहीं तो इस बाहर खड़े हैं लोग। आप भी करो, चलो चलो आओ आओ आओ। समझ नहीं आ रहा कि को आ गए। अब हम वापस, 10:30 हो चुका है। पहले हम लोग गए केसरी, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब क्राउड था कि आधे घंटे की वेटिंग थी। फिर हम लोगों ने टर्न लिया और फाइनली हम गए मंगलम। अब खाना वाना खा के हम लोग आ चुके हैं वापस, और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल डेट्स द मॉडर्न पहाड़ीज। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।